हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम क्वेस्ट फॉर HSSC SSSC। दोस्तों, हरियाणा जी के 1000 क्वेश्चन सीरीज़ में आज मैं आपके साथ तीसरा वीडियो शेयर करना जा रहा हूं। तो ये वीडियो दोस्तों हरियाणा नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जो विभाग हैं उनकी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए अलग अलग विभागों का गठन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जो विभाग हरियाणा सरकार ने गठन किए हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए सबसे छोटी इकाई नगर पालिका होती है। नगर पालिका का गठन 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के विकास के लिए किया जाता है। दूसरा आता है नगर परिषद, जिसको हम म्युनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं। इसका गठन 50,000 से लेकर 3,00,000 की आबादी वाले नगरों के विकास के लिए किया जाता है। और लास्ट, जो कि सबसे बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम। नगर निगम का गठन 3,00,000 या उससे अधिक आबादी वाले नगरों के विकास के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कि शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वह नगर पालिका होती है। नगर पालिका कितने जनसंख्या वाले नगर के लिए गठित की जाती है, 50,000 के लिए की जाती है या उससे अधिक के लिए की जाती है। नगर परिषद कहाँ पर गठित की जाती है, जहाँ पर आबादी 50,000 से लेकर 3,00,000 तक हो, और नगर निगम जहाँ पे जनसंख्या 3,00,000 से अधिक हो। तो आपको इन फिगर्स का बहुत ध्यान रखना है, इन फिगर्स को आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन किसी भी गाँव में अगर जनसंख्या 500 से अधिक या 500 हो, तो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। और इसका जो मुखिया होता है वो गाँव का सरपंच होता है, जो कि 5 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है। सेकंड है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत के बाद जो सेकंड इसका जो गठन होता है, वो कई पंचायतों को और गांवों को मिला के अगर 5,000 के आबादी बन जाती है, तो उस क्षेत्र में हम एक पंचायत समिति का गठन कर देते हैं। अगला है जिला परिषद। जिला परिषद का गठन 50,000 आबादी के क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इसमें और बहुत सारी पंचायतें जुड़ जाती हैं, और उन सभी पंचायतों को मिला के तो हम वहाँ पे जिला परिषद का गठन करते हैं। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत कहाँ पे गठित की जा सकती है, जहाँ पे आबादी 500 से या 500 या 500 से अधिक हो, पंचायत समिति 5,000 की आबादी के क्षेत्र में बनती है, और जिला परिषद 50,000 की आबादी वाले क्षेत्र में बनाई जाती है। और इसका गठन करने का मेन उद्देश्य यह है कि गाँव के और शहरों का जो विकास का कर रहे हैं वो सुचारू रूप से चलता रहे बिना किसी बाधा के। ग्राम पंचायत का मुखिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरपंच होता है, ऐसे पंचायत समिति में भी एक अध्यक्ष होता है जो उसके अंडर में आने वाली सभी पंचायतों में होने वाले काम की देख रेख का काम करता है। क्षेत्र के अंदर में हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति आती है, तो जो जिला परिषद होता है वो ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति में होने वाले विकास कार्यों का मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नगर निगम के बारे में सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा में नगर निगम अधिनियम कब लागू हुआ था? हरियाणा में नगर निगम अधिनियम 2 जुलाई 1973 में लागू हुआ था। हरियाणा में नगर निगम कितनी आबादी वाले क्षेत्र को बनाया जाता है? तो 3,00,000 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में हम नगर निगम का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में 10 नगर निगम हैं। तो नीचे आप देख सकते हो, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, अम्बाला और पंचकूला, इन सभी को मिला के 10 नगर निगम हमारे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे पहले नगर निगम कब बनाया गया? 1994 में सबसे पहले नगर निगम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का सबसे पहला नगर निगम कौन सा शहर बना? तो दोस्तों, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे पहला नगर निगम बना था। हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा शहर है? तो
तो दोस्तों जो सबसे पहले बना वही सबसे बड़ा है, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी नगर निगम कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी नगर निगम हमारी पंचकुला है। हरियाणा की सबसे छोटी नगर निगम कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा नगर निगम अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पंचकुला पे मार्क करना है, और हरियाणा में सबसे छोटी नगर निगम की अगर बात होती है जो कि 18 मार्च 2010 को बनाई गई थी, वो हमारे हिसार होगी। तो इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरा नगर निगम कब बनाया गया? 2008 में दूसरा नगर निगम बनाया गया। हरियाणा में दूसरा नगर निगम कौन सा शहर बना? तो गुड़गांव 2008 में हरियाणा का दूसरा नगर निगम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक नगर निगम किस वर्ष में बनाए गए थे? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक नगर निगम किस वर्ष बने, सबसे पहला नगर निगम कब बनाया गया, सबसे पहला नगर निगम कौन सा था। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। हरियाणा में सबसे अधिक नगर निगम 18 मार्च 2010 में बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 18 मार्च 2010 में कितने नगर निगम बने? तो 7 नगर निगम बनाए गए थे जिसमें हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल, पानीपत और पंचकुला शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अंत में कौन सा नगर निगम बना? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला, सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और याद करना। हरियाणा में सबसे अंत में सोनीपत नगर निगम बना। सोनीपत को नगर निगम कब बनाया गया था? 3 जुलाई 2015 को सोनीपत को नगर निगम बनाया गया था, जो कि हरियाणा का सबसे अंत में बनने वाला नगर निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए पुरुष की शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में कई बार HSSC में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ डिटेल में बता दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ पुरुष के योग्यता के बारे में पूछा गया है, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करेंगे तो पुरुष की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12th क्लास होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लासेज में पुरुष की शैक्षणिक योग्यता भी 12th क्लास होनी चाहिए, और अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की तो पुरुष की योग्यता 10th होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं महिलाओं की, तो जनरल कैटेगरी में महिला की शैक्षणिक योग्यता नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं क्लास होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस में महिला की योग्यता भी 10वीं क्लास होनी चाहिए, और SC महिला की 8th क्लास उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो आपको ये आंकड़े अच्छी तरह पढ़ने हैं, बार बार रिवीजन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इनमें से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए भी लागू है। तो दोस्तों अगर हम शहरी क्षेत्र के विकास की या विभागों की बात करें, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो नगर पालिका हो, सभी में ये शैक्षणिक योग्यता होना किसी भी व्यक्ति के लिए या पुरुष के लिए चुनाव लड़ने के लिए ये क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना ही होगा। और नोट में आप देख सकते हो, मैंने दोबारा फिर नोट में लिखा है, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हरियाणा में टोटल नगर निगम प्रेजेंट में कितने हैं, वर्तमान में कितने टोटल नगर निगम हैं, वो 10 ही। अम्बाला को दोबारा नगर निगम में ही शामिल कर लिया गया है, बीच में इसको हटा दिया गया था बट इसको दोबारा फिर शामिल कर लिया गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में टोटल कितने नगर निगम हैं, तो आपको 10 पे ही आपको मार्क करना है। अब बात करते हैं नगर पालिका की, हरियाणा में नगर पालिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो नगर पालिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, नगर पालिका समिति, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये नगर पालिका की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हरियाणा में नगर पालिका की संख्या 58 है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितनी नई नगर पालिका बनाई है? 6 नई नगर पालिका बनाई गई है हाल ही में। पहली है इस्माइलाबाद जो कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा है सिसाई जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, तीसरा है गुमदी जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, चौथा है रादौर जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, पांचवा है जाखल मंडी सिरसा में आता है, और सडोरा जो अंबाला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर परिषद की संख्या कितनी है?
तो हरियाणा में नगर परिषद की संख्या 19 है। हाल ही में शामिल की गई नई नगर परिषद कौन सी है? जो नगर परिषद में शामिल किया गया हाल ही में जो शहर है वो अंबाला सदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेयर चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत कब हुई? यह शुरुआत 5 सितंबर 2018 को की गई। दोस्तों नोट्स में जो चीज़ मैंने मेंशन की है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जज्जर को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। दूसरा पॉइंट है, अंबाला को पहले की भांति नगर परिषद बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्राम पंचायत के विषय में, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राम पंचायत हरियाणा की जानकारी से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ओवरऑल देना चाहूँगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। भारत में सबसे पहले पंचायतों को मान्यता कब मिली? 1882 में भारत में सबसे पहले पंचायतों को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू किया गया? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज लागू किया गया। हरियाणा में पंचायती राज कौन से अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद 73 संविधान संशोधन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतों को मान्यता कब मिली थी? 7 सितंबर 2015 को हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतों को मान्यता मिली। अगर हम देश की बात करते हैं तो देश में सबसे पहले राजस्थान में पढ़ी लिखी पंचायतें शुरू हुई थी। भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां पर और कब लागू किया गया? तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायतों की संख्या कितनी है? अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करते हैं तो उस टाइम हरियाणा में पंचायतों की संख्या 6212 थी, बट वर्तमान अगर 2019 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 7652 टोटल ग्राम पंचायतें हैं। हरियाणा में पंचायत समिति कितनी है? हरियाणा में पंचायत समिति 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्राम पंचायत बनाने के लिए गांव की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? कम से कम 500 जनसंख्या होना अनिवार्य है अगर हमें ग्राम पंचायत बनानी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ग्राम पंचायतें कौन से जिले में हैं और सबसे कम ग्राम पंचायतें कौन से जिले में हैं। तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 441 ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? तो पंचकुला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 121 सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ था? दिसंबर 1994 में हरियाणा में पहला ग्राम पंचायत चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला ग्राम पंचायत चुनाव के समय कितनी पंचायतें थी? तो दोस्तों दिसंबर 1994 में जब ग्राम पंचायत चुनाव हुए उस टाइम 5958 पंचायतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला ग्राम पंचायत चुनाव के समय कितनी पंचायत समिति? पहले ग्राम पंचायत चुनाव के समय हरियाणा में टोटल 110 पंचायत समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हमें पंचायत चुनाव लड़ना है या ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना है तो मिनिमम आयु जो हरियाणा सरकार द्वारा रखी गई है वो 18 वर्ष रखी। तो दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि शैक्षणिक योग्यता नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में कितनी होनी चाहिए, इसी तरह पंचायत का चुनाव अगर लड़ना है तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष की 10th क्लास होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस में पुरुष की 10th क्लास होनी चाहिए और शेड्यूल कास्ट में अगर कोई पुरुष चुनाव लड़ता है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं क्लास होनी चाहिए। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के बारे में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो महिला की जो शैक्षणिक योग्यता है 8वीं होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो 8वीं क्लास होनी चाहिए महिला की शैक्षणिक योग्यता, और शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 5वीं पास होना जरूरी है। तो ये जो शैक्षणिक योग्यता का क्राइटेरिया है ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सभी के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा में पंचायत समिति कितनी है?
तो हरियाणा में 126 पंचायत समिति हैं। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये फिक्र याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में जिला परिषद कितने हैं? तो हरियाणा में टोटल जिला परिषद हैं उनकी संख्या 21 है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों से। थैंक यू, धन्यवाद।